आदर देना, प्रशंसा करना, ये आप देखेंगे खाली वाणी का खेल है। आपको पैसा रुपया पैसा नहीं देना पड़ता, पर आपको ये पता होना, उसमें भी फिर कंजूसी करते हो आप लोग। और यदि देना शुरू कर दिया, आपको पता होना चाहिए बरकत से भरे हुए हैं, जितना देंगे आपके जीवन में बरकत आती चली जाएगी। बात चल रही थी प्यार आदर सम्मान प्रशंसा की, केयर की। ये चीज़ें क्या है? देने की चीज़ें हैं। ये चीज़ें हमको चाहिए हैं, पर कब मिलेगी? जब आप देंगे, अन्यथा नहीं मिलने वाला। और ये वैसी चीज़ें हैं कि जब आप देंगे खाते में जाएगी। और आपको पता है कि जो कुछ भी आप देते हैं वो कई गुना लौट कर आपके पास ही आता है। तो आपने दिया प्यार आदर सम्मान प्रशंसा केयर, और ये अपने साथ, क्योंकि विद इंटरेस्ट खाते में गया तो ये ब्याज सहित आपके पास पहुंचाता है। तो इंटरेस्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा? सुख, शांति, समृद्धि। प्यार आदर सम्मान तो मिलेगा, तो मूल है, आपने दिया है, विद इंटरेस्ट आपके साथ आएगा, आपके पास आएगा सुख, शांति, समृद्धि। पर हमें समझना होगा कि ये चीज़ें देने की है। बीज रोपना होगा, सींचना होगा, तभी फलित होकर हमारे पास आएगा। और ये देने से हमें एक ही चीज़ रोकती है, एक ही चीज़, हमारा ईगो, और बाद में वो सारी चीज़ें हमारी रोक देता है। आज ईगो को यहीं छोड़ के जाना माँ सरस्वती के मंदिर में, सोच लेना हर एक की केयर करनी है। और शुरुआत ये होगी आपके घर से। हमारे लिए पड़ोसी को प्यार देना, आदर देना, उसके छोटे छोटे कामों की प्रशंसा करना, उनकी केयर करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर घर से करना है यदि जीवन बरकत बढ़ोतरी प्रचुरता भरा चाहते हैं तो। एक चीज़ और, हम लोग को स्कूल में एक स्टोरी पढ़ाई गई थी। जब वो टीचर हमें वो स्टोरी बता रही थी तो उनका उद्देश्य ये था कि हम साधारण स्टूडेंट से निकल कर असाधारण की कैटेगरी में आ जाएं, मेरिट लिस्ट में आ जाएं, टॉप रैंकर में आ जाएं। इसलिए वो कहानी हमें सुनाई गई थी। पर अब सुबह ही आज जब मेडिटेशन कर रही थी तब वो स्टोरी, देखो हमने सुनी होगी लगभग 40 साल पहले, अब वापस याद आ गई। उस दौरान सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने के लिए हमसे वो स्टोरी बताई गई थी टीचर ने, पर हमने देखा कि आज की तारीख में यदि उस प्रिंसिपल को अपनाते हैं तो हम जीवन के जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें लोगों से हटकर ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं।